जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में रविवार को दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि विशेष लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी सहित अन्य जजों ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके संबंध में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि विशेष लोक अदालत में रविवार को कुल 13 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा 3 आर्बिट्रेशन वादों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा जनपद न्यायाधीश द्वारा 36 वादों का निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत में कुल 418 वादे आए थे, जिसमें से 52 वादों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर परिवार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार सिंह गौतम, मोटर दुर्घटना दावा न्याय अधिकार के पीठासीन अधिकारी DD ओझा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय सहित अन्य न्यायाधीश मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा, अच्छा ये भी हुई है अभी खजनी और गगहा जो उनको फंसाया हुआ अभी के सामने को खड़ा होगा तो पेड़ कुछ छोटा है ऐसे मामलों के लिए आयोजित किया गया है जिन मामलों में आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत अवार्ड हो चुका है और अवार्ड की को संतुष्ट नहीं किया जा सक रहा है, एग्जीक्यूशन निष्पादन उनका लंबित है, तो ऐसे लोगों को पैसा मिल जाए, जो अवार्ड हुआ है वो क्रियान्वित हो, यही हमारा प्रयास है।